हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ एस। अब जब बॉयलर में हम लोग कोल का कम्बशन करते हैं तो कंटिन्यूस एस का भी फॉर्मेशन होता है, तो उस एस को डंप करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है जगह की जरूरत पड़ती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इस एस को जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। जो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पर इसका यूटिलाइज किया जाता है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि जो एस है उसका यूज जो है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यूटिलाइजेशन ऑफ एस, अब एस के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। पिछले कई सारे जो वीडियो हैं उसमें हम लोग ने एस के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा था, और उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि जो हम लोग बॉयलर में जब कम्बशन करते हैं कोल का, तो कंटिन्यूस एस का फॉर्मेशन होता है। अब चूंकि क्या है, बॉयलर एक हमारा कंटिन्यूस रनिंग इक्विपमेंट है, तो कोल का कम्बशन अगर कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस एस का फॉर्मेशन भी होगा। तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो एस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कई सारे जो कन्वेइंग माध्यम है उसके द्वारा हम लोग उसको एक डंपिंग जोन में भेज देते हैं, जहाँ पर भी उसको अगर स्टोर करना है या जहां यूटिलाइज करना है वहां पर भी उस प्लांट में भेजा जाता है ट्रांसपोर्ट की मदद से। तो और जो हम ये भी देखे थे कि हमारा जो एस है, जब बॉयलर में जब हमारा फॉर्मेशन होता है, तो वो दो तरह का एस जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है। एक होता है बॉटम एस और दूसरा जो होता है वो फ्लाई एस। बॉटम एस कहां पे, जहां पे बॉयलर में कंबशन हुआ, तो जो बॉटम में जो उसका हमारा जो एस जो फॉर्मेशन होता है, जिसको बैड एस भी कहा जाता है, तो वहां पर उसका फॉर्मेशन होता है। जो फ्लाई एस होता है वो फ्लू गैस के साथ चला जाता है, और उसको हम लोग एपीएच और ईएसपी के थ्रू क्या करते हैं, ए हॉपर में कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर एस कन्वेइंग माध्यम के द्वारा उसको साइलो तक भेज जाता है, और फिर जहां पर भी उसको यूज करना हो या डंप करना है वहां पर फिर उसको हम लोग भेज देते हैं ट्रांसपोर्ट की मदद से। तो अब देखिए कि क्या है कि इस एस को अब हम लोग चूंकि अगर डंप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, तो एक तरह से तो हमारा ये जो एस है वो वेस्ट भी हो रहा, और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि इसके लिए इतनी सारी जगह का जो रिक्वायरमेंट है वो एक काफ़ी बड़ा समस्या बन जाती है, क्योंकि हमारा जो एस है वो काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो कवर करता है। तो इसलिए इस एस को ना आपका यूटिलाइज करना जरूरी है, ताकि हम लोग इसको यूटिलाइज करके जो ये जो कवर कर रहे जो जगह को उसको हम लोग मिनिमाइज कर सके। तो अब देखिए इसके कई सारे यूजेज हैं जो इसको यूज में लाया जाता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ एस, जिसमें से पहला जो यूज है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्बैंकमेंट एंड फिल। अब जो जितने सारे इम्बैंकमेंट होते हैं ना, जैसे आपका जो तट जो क्षेत्र होता है, जैसे आपका बांध हो गया, तो जितने सारे जो रिवर में आपका जो बांध बनाया जाता है या बांध जैसा कोई कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, कोई दीवार बनाया जाता है, तो उस जगह पर इसका जो है यूज किया जाता है, इस एस का यूज किया जाता है। कई सारे जो एरिया होते हैं जिसको जो फिलअप करना होता है, कई सारे जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं वहाँ पर भी फिलअप करने के लिए इस एस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है रोड कंस्ट्रक्शन। तो रोड कंस्ट्रक्शन जो है रोड निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो बॉटम एस है और फ्लाई एस है, तो बॉटम एस का जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उसका यूज हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो रोड कंस्ट्रक्शन में उसको नीचे वाले जो लेयर होता है, जो बेस होता है, वहाँ पर इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। और जो फ्लाई एस होता है वो क्या होता है, पूरा फाइंस होता है पाउडर की तरह, तो उसका जो यूज है वो फाइनल लेयर के लिए यूज कर लिया जाता है। तो इस तरह से रोड कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका यूज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एस होता है उसमें क्या होता है, सिलिका, अल्मीना, उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, तो ये सब जो मटेरियल है वो सीमेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं, तो इसलिए इसका यूज सीमेंट बनाने में भी किया जाता है, वहाँ पर भी इसको यूज कर लिया जाता है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी आप जो व्हाइट कलर का जो ब्रिक दिखते हैं ना, जो ईट जो घरों को बनाने के लिए और जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं वहाँ पर बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, पहले आप रेड कलर के देखते होंगे, लेकिन अभी बहुत जगह क्या है कि ये व्हाइट कलर के वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो व्हाइट कलर का जो ब्रिक्स होता है, जो ईट होता है, वो इसी एस के द्वारा ही बनाया जाता है, वहां पे इसका भी यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग कंपोनेंट। तो जो जितने सारे आपका बिल्डिंग कंपोनेंट हो गया, जैसे बिल्डिंग में यूज होने वाले जैसे कंपोनेंट है आपका, जैसे टाइल्स हो गया, ब्लॉक्स हो गया, जो आपके डोर के जो पैनल हो गए, जो ग्रेनाइट्स हो गए, तो ये सब जो चीजें हैं वो उसको बनाने के लिए भी इस एस का यूज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है फिलिंग ऑफ माइंस।
तो माइंस एरिया, जैसे कि आप जानते हैं जहाँ पे कोल माइंस एरिया हो गया, तो जहाँ पर हम लोग अगर कोयले को निकाल लेते हैं तो वो जगह क्या होता है, खाली हो जाता है, ठीक है। तो उस इतने बड़े एरिया को खाली करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी उसको फिलअप करने के लिए। तो वहाँ पर जो है उस एस को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूटिलाइज कर लिया जाता है उस एरिया को फिलअप करने के लिए, उस माइंस वाले जो एरिया है वहाँ पर इसका यूटिलाइज करके उसको फिलअप कर लिया जाता है। तो यही सब जो है इसके काफ़ी सारे जो है यूजेस हैं, जिसको यूज करके जो इसका जो एस डंप करने का या स्टोरेज करने का जो एरिया ये कवर करता है उस समस्या को मिनिमाइज किया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा भी होता है कि हमारा जो एस है, जो इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम लोग एक बेहतर तरीके से बेहतर जगह यूटिलाइज करके उसको अलग जगह हम लोग इसको रीयूज कर लेते हैं, जो कंस्ट्रक्शन एरिया में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।